about to reach the peak and look at this view. Last 3 to 4 hours we were just walking and look at them. Let's go to the peak. Okay, finally Kedarkanth summit पे पहुंच गए and this feeling is awesome. पर आते आते लग रहा था कि नहीं हो पाएगा but finally हो गया. यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, कितनी हसीन है ये दुनिया, भूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया. रुम दुम दानन रत दुम दानन, रुम दुम दानन रत दुम दानन, रुम दुम दानन रत दुम दानन भैया. रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब. गाइस हाउ वाज इट द स्नो स्लाइड? ऑसम ऑसम फर्स्ट एक्सपीरियंस. मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे. दिल को है क्यों ये बेताब, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था, शायद वही बात होनी है. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया, आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया. ओके सो फाइनली हम लोग आज घर जा रहे हैं. घर मतलब बैक टू सांकरी विद सो मेनी मेमोरीज एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फ्यूल्स. उनको भी देखो एंड आई होप दे डोंट हिट अस. आपका क्या कहना है सचिन जी, मजा है आपको? हां बहुत मजा है आपके साथ. क्या बात है, और अच्छा भी लगा हमारे साथ. हमारे साथ नहीं आया वो, अभी तो व्लॉग मैं बना रही हूं. मिलते हैं हम लोग अभी लास्ट नीचे एंड रिटर्न जर्नी काफी अच्छी लग रही है. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग है. चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया. So we are here, lost in this beautiful, beautiful nature. Lost in the mountains. Hey, 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 hey. देखो जिधर इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में, गाँव है दूर वो जाने किसका गाँव है, बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको. हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की. इजी टू मॉडरेट बोला था, बट बिल्कुल भी इजी नहीं था. ग्रुप अमेजिंग, लव यू गाइस. कंफर्टेबली है, नरेश जी साथ में थे, सो ही वाज गिविंग अस ऑल द मोटिवेशन कि हाँ यू नो मजा आएगा ये वो. ऊपर से मामा जो ड्राइव कर रहे थे, ही वाज आल्सो सो कूल कि तभी से हमारी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी कि यार चलो. एंड देन नेक्स्ट वी वर एक्साइटेड फॉर द ग्रुप कि
कि भाई कौन होगा साथ में, एंड देन चार बंदर मिल गए. सो दैट नाउ कमिंग अप टू सचिन एंड पारस, मतलब छोटे छोटे, जब इधर देखा तो ऐसा लग रहा है कि कितने छोटे हमको क्या हैंडल करेंगे, बट देन इट वाज लाइक पारस और ये दोनों ऑपोजिट थे, तो दोनों के साथ भी बहुत मजा आया. टॉकिंग अबाउट द समिट, लग गई थी पूरी तरह, ऐसा लग रहा था कि हाँ समिट समिट समिट, बट पहुंचते पहुंचते खत्म हो गए थे. बट मजा, स्पेशली जब रिटर्न आए और इन्होंने जब वो स्लाइड करवाया, वाज लाइक हाँ बेस्ट था वो. सो डीजेस फॉर कैंप 360, स्पेशल थैंक्स टू नरेश जी एंड ऋषि जी फॉर सच कम्फर्ट एंड नाइस अरेंजमेंट. थैंक यू. तो मेरे साथ जितने भी लोग थे मेरे ग्रुप में, चाहे वो मेरे साथ के लोग जो मेरे साथ घर से आए थे या जो मेरे साथ यहाँ ग्रुप में मिले, सभी लोग बहुत सपोर्टिव थे. और इसलिए मुझे ये ट्रैकिंग नहीं लगा, ये मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं चिल करने आया था गोवा के बीच पर. अंत भला तो सब भला, तो 360 से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे नोट पे आप हम सबको अलविदा कहें, क्योंकि क्या होता ना कि पैसे याद नहीं रहते किसी को. आपने 4,000 खर्च किए, 10,000 खर्च किए, हमने कैसा महसूस किया वो याद रहता है हमें. आज से 5 साल बाद हम महसूस करेंगे कि 360 ने हमें क्या महसूस किया. सबसे पहले मैंने ट्रिप कंप्लीट किया. अबाउट दिस ट्रिप, मैंने कई ट्रिप कर रखे. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप कि मेरे को ये फैमिली मिली, एक तरह से ये सारे अच्छी फैमिली की तरह है. मुझे पता नहीं था कि मेरे को इतनी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स मिलेंगे. एंड थैंक यू सो मच गाइस, लाइक आई रियली एंजॉय. वेलकम वेलकम. जस्ट वन थिंग, सफ़र जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो आप मोमेंट्स जीते हो उसमें ना, आप अपनी टीम मेम्बर्स के साथ, टीम के साथ जो मोमेंट्स आप जीते हो, एक दूसरे को पुश करते हो, चल बे चल थोड़ा सा चल थोड़ा बाहर, क्योंकि फोटो तो आप उसी समय खींचते हो. सबमिट पे तो 4-5 फोटो खींचते हैं, बट जो ड्यूरिंग द ट्रैक होता है, जो सफ़र होता है, वो आप हमेशा याद रखते हो. एंड आई रियली एंजॉय दैट पर्टिकुलर सफ़र विद यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. हरकिदुन भी एंजॉय करना, जाना ही है, कंफर्म जाना है. 5 अप्रैल में खुलेगा, बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है वो भी, उधर वैलीज नैरो है और बहुत लैंडस्केप, तो एक नंबर गाड़ी में कंफर्टेबली वो तो हो जाएगा. ये मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे, अब नेक्स्ट टाइम जब बोलोगे ना तो कॉल करके नेक्स्ट बोला प्रसाद से बात करा, प्रूफ होगा मेरे पास. ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा. ठीक है. सारे झमेले देख खुल.